हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, क्या वीआई या वोडाफोन आइडिया बंद होने वाली है? इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं बैंकिंग क्राइसिस के बारे में बात करना चाहता हूं। और बैंकिंग क्राइसिस के बारे में लगातार हम अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं, बट मोस्टली हम जो फॉरेन लैंड यूएसए और यूरोप के बैंक्स में होने वाली क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो क्या उसी तरीके की कुछ सिचुएशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बनती हुई दिख रही है? देखिए दोस्तों, अगर हम अमेरिका में जो बैंक्स कोलैप्स हुए और यूरोप में जो हो रहे हैं उनका अगर हम पिक्चर देखें तो क्या सिचुएशन थी, एसेट और लायबिलिटी की मिसमैच। तो अगर हम यूएस के बैंक्स जैसे कि एसवीबी बैंक की बात करें तो क्या हुआ था, सेविंग्स बहुत सारी उनके पास आ गई, लोगों ने बहुत सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया जिस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, मगर उनके लोन्स नहीं जाते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस वक्त जो इंडिया में होता हुआ दिख रहा है और जो डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा और जो मुझे पढ़ने और देखने को मिला उसके बेसिस पर मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं, तो इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। यानी कि लोन्स बढ़ रहे हैं लेकिन सेविंग्स जो है वो कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे यहाँ पर उल्टा ट्रेंड चल रहा है, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इंडियन जो कस्टमर है वो थोड़ा कॉस्ट कॉन्शियस होता है, उसको कहीं पर भी अगर थोड़ा ज़्यादा भी बेनिफिट मिलेगा तो वो वहीं चला जाता है। वो अगर आलू खरीदने में जाता है और उसको अगर ये दिखता है कि यहाँ पर एक रुपये सस्ता आलू मिल रहा है तो वो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो 5 मिनट ज़्यादा भी चलकर वहाँ से जाकर खरीदता है। तो इतने ज़्यादा हम लोग जो है कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं। तो सेविंग्स बैंक में हमें अगर 6% इंटरेस्ट मिलता है लेकिन बाहर में हमें 8% की कोई उसी तरीके की स्कीम मिलती है तो हम अपना पैसा वहां लगा लेते हैं और उसके लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क भी ले लेते हैं। तो काफी सारा पैसा जो है हमारा डेट फंड्स में जा रहा था और इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही बताया कि किस तरीके से सरकार ने वहां पर टैक्स के बेनिफिट्स को कम कर दिया ताकि लोग उन स्कीम्स में पैसा ना लगाएं। और अब ये क्लैरिटी एमर जो कि आ रही है कि ऐसा क्यों किया गया, डेटा भी सामने आ रहा है। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया कि म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स को कम कर दिया ताकि लोग अपने पैसे को सेविंग्स में रखें। और ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई कि वहां का पैसा निकाल कर सेविंग्स में आए, क्योंकि यहां पर एसेट लायबिलिटी के मिसमैच हो रहे हैं और उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि सेविंग्स में पैसा नहीं आ रहा है लेकिन लोन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली ही डेटा पब्लिश हुआ है कि लोन्स में 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज लोन या लेंडिंग की ग्रोथ की बात करें तो करीब 10.5% से बढ़ रहा था और इस साल जो है करीब 15% के रफ्तार से जो लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट सिर्फ 10% के रेट से बढ़ रहा है। तो 15% से आपकी लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है और 10% से आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो बैंक जो है ज़्यादा लोन नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर उनको ज़्यादा लोन देना पड़ेगा तो क्या रास्ता है कि उनको भी बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। और दोस्तों आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो पैसा उठाना मार्केट से महंगा पड़ गया है। तो इस वजह से सरकार ने ये स्कीम की और जो डेट फंड में जो टैक्सेशन को का जो कट्स जो बेनिफिट्स हटाए गए हैं उसकी वजह से एक अनुमान के हिसाब से 36 बिलियन US डॉलर्स इतना पैसा जो है बैंकों के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से डेट फंड की बजाय पैसे को सेविंग्स बैंक में रखेंगे। क्योंकि इक्विटी मार्केट में तो वो आप पैसा शायद ना लगाएं उस रफ्तार से जैसे पहले लगा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो कि एक तरीके के बैंकों का एसोसिएशन भी है और उनकी एक लॉबिंग फर्म भी है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये कदम उठाने के लिए कन्विंस किया और जिसकी वजह से ऐसा किया गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेट फंड से उन्होंने टैक्स बेनिफिट्स को इसलिए हटाया ताकि लोग सेफ्टी के साथ बैंक में पैसा रखें, तो वो शायद कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बैंकों के हाथ में पैसा आएगा तो उस पैसे को जो है वापस से वो लोन में ही देंगे। तो बॉन्ड मार्केट भी एक तरीके का लोन है
और अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं उस पैसे को उठाकर भी आगे बैंक लोन देता है तो वो भी एक लोन है। तो दोनों तरफ जो रिस्क एसोसिएटेड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच है ये कितना खतरनाक है, तो अगर आप ये डेटा को देखें तो यस देयर इज डेफिनेटली अ गैप और इससे शायद कुछ हद तक वो फिल भी हो जाएगा। तो अगर इस सिर्फ इस डेटा को हम देखें तो इसमें कोई बड़ा रेड फ्लैग बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूँ और कई और लोग भी बड़े बड़े जो मार्केट के एनालिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक तरीके से ब्लैक बॉक्स होता है, अंदर खाने में क्या हो रहा होता है वो काफ़ी हद तक उसकी क्लैरिटी लोगों को नहीं होती है। और इसी वजह से जो जब बैंक डूबते हैं तो उसकी अचानक से न्यूज़ आती है कि भाई ये बैंक डूब गया, आपके अकाउंट फ्रीज हो गए और पहले से कोई वार्निंग इशू नहीं होती है। ये वीआई की बात करते हैं तो कोटक इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट इशू की है और उसमें ये कहा है कि वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, ब्लीक है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शटिंग शॉप यानी कि कंपनी जो है अपनी दुकान बंद कर सकती है। और उसकी वजह क्या है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जियो के एंट्री के बाद से लगभग सभी टेलीकॉम प्लेयर्स एक के बाद एक मार्केट से आउट हो गए और सिर्फ एयरटेल और वीआई ही जो दूसरे प्लेयर्स एग्जिट कर रहे थे। एयरटेल तो अभी भी खड़ा हुआ है, जियो को कंपटीशन दे रहा है, लेकिन वीआई जो है ब्लीड कर रहा है और सालों से कर रहा है। उसकी बड़ी वजह क्या है, एक तो इनका डेट बहुत ज़्यादा हाई है, करीब 2.3 लाख करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है और दूसरी बात कि इनके पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हर कंपनी अभी 5G रोल आउट कर रही है और 4G का कवरेज एरिया को बढ़ा रही है, तो इनके पास 5G रोल आउट करने के पैसे नहीं हैं और करीब 5,500 करोड़ का इनके पास शॉर्टेज है अपने एक्सपेंशंस को प्लान करने के लिए। तो अगर आप 5G रोल आउट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोग आपके सर्विसेज को छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो है अपने प्राइजेस को नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आप उस तरीके के सर्विसेज भी नहीं दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं रेज कर सकते, तो आप पैसा जुटाएंगे कहाँ से, हर तरफ से आपको मार पड़ने वाली है। और चूंकि आपके पास इतना जो ज़्यादा कर्जा है और आपके शेयर प्राइस की भी वैल्यू दिन पर दिन एरोड हो रही है, तो आपके लिए मार्केट से पैसा उठाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब कारणों से कोटक का कहना है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनके पास काफ़ी सारे फंड हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया है कि वो कंपनी को बेल आउट करेंगे। तो इस कंपनी को अपने फाइनेंसेस को खुद अरेंज करने पड़ेंगे जो कि बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसमें आपको अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो भैया बहुत ज़्यादा रिस्क है, मेरा काम है आपको कॉशन करना। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो टेलीकॉम में मुझे कौन सी कंपनी पसंद है, आप सब जानते हैं दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूं कि टेलीकॉम का मतलब होता है एयरटेल। अगर आपको टेलीकॉम पर बेट करना है तो एयरटेल पर ही बेट करना चाहिए। डिस्क्लेमर दोस्तों, मेरी एयरटेल में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो जो हमने पब्लिश किया था उसमें एयरटेल को हमने सजेस्ट किया था। दोस्तों अब थोड़ा मार्केट की बात करते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से पिछले दिनों अदानी के जो मार्केट कैप में इरोजन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, देखिए दोस्तों अदानी की आप जानते हैं कई सारी कंपनीज मार्केट इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड हैं और उन सब के शेयर प्राइस गिरे और टोटल जो उनका मार्केट कैप लॉस हुआ $150 बिलियन का हुआ। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडिया के टोटल मार्केट कैप में पड़ा। साथ में जो ये बैंकिंग क्राइसिस हो रही है, दुनिया भर में गिरावट हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। तो अब जो है हमारा मार्केट कैप इंडिया का अगर आप देखें तो हम टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। कुछ टाइम तक पहले हम टॉप 5 पर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इन दो कारणों से जिसमें मेनली अदानी का राउट है वो रिस्पॉन्सिबल है, हम टॉप 5 क्लब से बाहर हो गए हैं। तो इन टॉप 5 में कौन आते हैं, तो सबसे ऊपर ऑब्वियसली USA आता है, करीब $40 ट्रिलियन का मार्केट कैप। इसके बाद चाइना आता है करीब $11 बिलियन का। इसके बाद जापान और हांगकांग आते हैं और ये करीब 4.7-4.8 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप होता है। फिर फ्रांस आता है, तो फ्रांस हमसे मार्जिनली अप है। तो ऐसा लगता है कि ये अदानी इशू की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं
उनकी जो हमारे कंपनीज की जो वैल्यूएशन जो उनकी नज़रों में थी उसमें थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिख रही है। हालांकि जो गिरावट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि दुनिया भर में जो है गिरावट हो रही है, लेकिन अगर आप देखिए कि रैंकिंग वाइज हम नीचे जा रहे हैं तो क्लियरली ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट हुए हैं। तो आइए अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखते हैं और निफ्टी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर चल रहा है और यहां पर जो है एक तरीके का सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और यही हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 17,000 का लेवल। अभी इसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है, सस्टेन कर पाएगा कि नहीं इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर यहां से एक छोटा बाउंस भी आता है तो भी कंफर्मेशन नहीं होगा कि इस लेवल को उसने बचा लिया, क्योंकि जैसे यहां पर आप देखे कि ऊपर जाकर वापस से नीचे आया तो यहां पर भी हो सकता है। तो इस वक्त ये लेवल में बहुत ज्यादा डाउट है कि इसे वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, और आगे मैं आपको वो पोजीशन ओआई के डेटा में भी दिखाऊंगा। आइए एक ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं। यहां पर आपको मैं दो चेन्स दिखा रहा हूं, ये 24th का है और ये आज का है यानी कि 28th का है। अब अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, यहां पर पुट सेलर 17,000 के लेवल पर हावी था और यहां पर फाइट जो है नेक टू नेक हो गई है। तो यहां पर करीब 1.5 करोड़ पुट्स के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे और डेफिनेटली पुट्स में बढ़ोतरी हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स अब इसमें यहां पर ओआई दिख रहा है, लेकिन कॉल्स में आप देखिए कितना बड़ा जंप हुआ है। यहां पर कॉल की पोजीशन कम थी और कॉल में जो है जबरदस्त इजाफा होते हुए दिख रहा है और वहां पर भी 2 करोड़ से ज्यादा का ओआई होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली कॉल सेलर 17,000 के लेवल पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इससे नीचे रहेगा, तो ये एक बेरिश इंडिकेशन है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पुट सेलर भी टिका हुआ है इस होप में कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा। अगर हम आगे की पोजीशंस भी देखें तो यहां पर 17,001 से लेकर बिल्कुल 18,000 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता हुआ दिखाई, क्योंकि कॉल सेलर से बहुत सारी पोजीशंस वहां पर बनाई हुई है और वहां पर लगातार उनका ओआई भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल अगर हम इस पिक्चर को देखें तो क्लियरली 17,000 पे थोड़ी सी होप जरूर दिखती है, लेकिन इस डेटा को देखकर यह तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा आगे जंप आने वाला है फिलहाल इस डेटा को देख के। हाँ, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो वो जरूर डेटा में देखने को हमको मिलेगा और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए दोस्तों एक हम डे वाइज ओआई की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जानते होंगे आप कि इसको हम दो पार्ट में एनालिसिस करते हैं। ऊपर वाले चार्ट में हम ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, इसमें हमने सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस का ओआई को लिया है पर डे, और नीचे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का लिया है, इसमें स्टॉक ऑप्शंस इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इस पिक्चर को देखें तो ये बोरिंग पिक्चर है, इसमें कुछ खास होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, सिचुएशन वैसी की वैसी है और कुछ बहुत ज़्यादा ना तो बेरिशनेस दिख रही है ना बुलिशनेस दिख रही है, तो यहाँ से हमें कुछ भी इन्फर करना मुश्किल है। अगर यहाँ पे देखें इंडेक्स ऑप्शन में तो यहाँ पे हमें ज़रूर ये कुछ क्लू दे रहा है। तो मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से रेंज बाउंड है, हल्की यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, लेकिन आप देखिए कॉल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पुट में भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पुट में नहीं हो रही है, लेकिन कॉल में ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हमें बेरिश का इंडिकेशन होता हुआ दिख रहा है और रिकवरी के आसार कम दिख रहे हैं। जब मार्केट एक लेवल पर घूमता है तो कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि अब यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा और कुछ लोग नीचे की तरफ बेट करते हैं, लेकिन अगर ओआई के डेटा को देखें तो लोग इस पर ज़्यादा बेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर हम लेवल्स की बात करें, देखिए पहली चीज़ तो ये कि हमारे जो एल्गोज हैं वो अभी तक सेल मोड पर ही चल रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेल मोड पर चल रहे हैं, उसमें कोई बाय का सिग्नल नहीं आया है, फ्रेश लेवल्स भी नहीं आए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होती हुई हमें दिख रही है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों हमारे एल्गो सेल में दे रहे हैं, लेकिन कई स्टॉक्स बैंक के जो हैं उसमें बाय सिग्नल्स मिलते हुए हमें दिख रहे हैं, जिसमें HDFC भी शामिल है और ICICI भी शामिल है और एक्सिस भी शामिल है, तो उनमें हमें बाय सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। वो सिग्नल्स फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट
एक रेंज में चलता है तो थोड़े हमें बैड सिग्नल्स भी मिलते हैं, लेकिन उन स्टॉक्स में वीकनेस भी नहीं दिख रही है। उनमें हमें पिछले अगर 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो थोड़ा गेन होता हुआ भी दिख रहा है। तो ये एक होप देता है कि बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है, एक जंप आ सकता है। निफ्टी में वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, निफ्टी में बेरिश अंडरटोन ही दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक रिकवरी के चांसेस होते हुए दिख रहे हैं। वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वो एक बड़ी पिक्चर है। तो इस वक्त बैंक निफ्टी में अगर मेरी पोजीशन है, मैं प्रॉफिट में बैठा हूं, तो मैं निकल जाऊंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो अगर हम लेवल्स की बात करें दोस्तों, तो मैं लगातार आपको शेयर कर रहा हूं कि निफ्टी में जो हमारा लेवल है वो 17,281, इसके नीचे हमें सेल रहना है। और अगर आप इस लेवल को फॉलो कर रहे हैं तो अभी आप कम से कम 250-300 पॉइंट्स के प्रॉफिट पर बैठे होंगे। इनफैक्ट हम 17,500 के लेवल से ही बेरिश लेवल साइड पर ही चल रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो इस वक्त फ्रेश पोजीशंस का स्कोप नहीं है। अगर आप पुरानी पोजीशंस बनाए हुए हैं तो बनाए रखिए, और मूवमेंट भी मार्केट में नहीं हो रही है तो फ्रेश पोजीशंस बनाने का अभी कोई जो है ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर आप हेजिंग के साथ अगर अप्रैल सीरीज में काम करना चाहते हैं तो बेशक आप एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी हमारा लेवल पुराना लेवल ही चल रहा है, 39,670, इसके नीचे हमें शॉर्ट रहना है और इस लेवल के हम आसपास ही घूम रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो बेटर टेक आउट द प्रॉफिट, वेट फॉर नेक्स्ट ट्रिगर। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।